ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज शिवरात्रि है, तो मेरा बेटी ने सुबह सुबह उठ के नहा धो के अच्छा से पूजा कर लिया है, आप देख सकते हो। तो आप जाऊंगी मैं खाना पकाने। तो दोस्तों, मैं ये पनीर को फ्राई कर लूँगी, एक पतली दे दे रही हूँ, इसे फ्राई कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा नमक भी दे दूंगी अभी। मेरा पनीर हो गया है, अब निकल रही हूँ। तो दोस्तों, मैं ये मटर का छिलका भी थोड़ा सा दे दूंगी, इसको भी पहले पका लूंगी। अच्छा ही है, ताज़ा ही है, इसलिए मैंने छोटा नहीं है। आलू के साथ में पकता है, मुझे तो अच्छा लगता है मटर का छिलका। Thank you.
आपने थोड़ा सा ढक लो। तो दोस्तों देखिए मटर का छिलका पक गया है, अब दे दूंगी टोमेटो, टोमेटो भी थोड़ा देर में पक जाएगा। फिर थोड़ा देर के लिए ढक दूंगी। तो दोस्तों अब मैं दे दूंगी मटर, ये मटर दे दूंगी। मटर को भी मैं थोड़ा देर पका लूंगी। आलू पक गया है, मटर का छिलका भी पक गया है, अब दे दूंगी ये धनिया। धनिया पाउडर दे दिया मैंने, इधर में गर्म पानी हो रहा है सब्जी में डालने के लिए। आप दे दूंगी मैं जीरा पाउडर। ये है जीरा, ज़्यादा नहीं दूंगी। हलाल भी थोड़ा सा दे दूंगी। धनिया धनिया पाउडर थोड़ा सा और दूंगी। ये है पनीर के मसाले, इसको दूंगी। मैं पानी दे रही हूँ। थोड़ा सा और दूंगी। तो लागे दे दूंगी अभी कि मसाला दे दूंगी। देख लो अब दे दूंगी ये पनीर। आलू तो एकदम अच्छा से पक गया है। आलू देखिए मटर का छिलका भी कितना अच्छा से पक गया है, मटर भी पक गया है। तो मेरा पनीर मटर का सब्जी बन गई है। तो दोस्तों अब मैं, आज तो ऐसे भी शिवरात्रि है, घर में घी बनाना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, घी का खुशबू हो जाएगा। तो मैं बना ले रही हूँ घी। ये मेरा घर का ही है क्रीम, एक हफ्ता का क्रीम है। इसको मैं ऐसे ही करके घी बना लूँगी। ऐसे तो मक्खन भी बना सकती हूँ, तो मक्खन नहीं बनाऊँगी, आज घी बनाऊँगी। ये भी थोड़ा सा है, ये भी एक कटोरी है, और भी एक कटोरी है।
कल मैंने क्रीम उठा के नहीं रखा है क्योंकि यह है 4-5 दिन का क्रीम। अब ये इसमें घी बन जाएगा। घी बनाने के लिए क्रीम को ज़्यादा पुराना बनाना चाहिए। जब घी घी का खुशबू आएगा तभी घी बनाना। ताज़ा क्रीम का घी बनाने से घी में उतना खुशबू नहीं आता है घी जैसा। ये मेरा बहुत खुशबू वाला होगा। तो दोस्तों बुलबुला आ गया है घी का। ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा इसको। तो मैं ये खाने के लिए घी गर्म कर रही हूँ। अभी चाहिए। आज शिवरात्रि है। कुछ मीट मछली नहीं बनेगा मेरे घर में। घी पापड़ ये सब्जी से खाएगा, ये चीज़ से खाएगा। घी को खाने से पहले थोड़ा सा गर्म करने से थोड़ा अच्छा खुशबू भी आ जाता है, टेस्टी लगता है। इसे कच्चा घी डब्बा के साथ इसे निकाल के खाने से तो टेस्टी भी नहीं लगता है। बोली हूँ तो दोस्तों मेरा घी हो गया है। देखिए आप लोग क्या बोलते हो। जैसे कि ये दूध का क्रीम था, क्रीम से घी निकल गया है। अभी ये क्रीम है। जब क्रीम ऐसे करके कलर आता है, मतलब पक जाता है, तो समझ लीजिए कि घी निकल गया है और क्रीम इधर में अलग से हो गया है। अब मैं गैस को निभा दूंगी। घी हो गया है, थोड़ा ठंडा कर लूँगी। फिर मैं बोतल में डालूँगी, वही बोतल में डालूँगी जो बोतल में पहले से घी है, उसी में डालूँगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बोलना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना और मेरे साथ बने रहना दोस्तों। ये हो गया है देखिए। तो मैं बाद में बोतल में डाल के फिर से एक बार दिखाऊंगी आपको। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मैंने जो घी गर्म किया है वो ठंडा हो गया है। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से घी हुआ है, ठंडा भी हो गया है। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसे ही करके घी बनाना। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा, क्या बोलते हैं, आलू मटर पनीर का सब्जी कैसा लगा? मैंने तो छिलका डाल के बनाया है। तो आप लोग भी एक दिन छिलका डाल के बनाओ और खाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलती हूँ कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।